नवनीतम घृतम दुग्धम दधि तत्र तक्र च पंचमम सर्वमेक कुल जाता मूल्य सर्वसम वै पृथक। सर इसका मतलब ये है कि दूध दही घी और बटर और जो इसका मिक्सचर है लाइक काउडंग सभी का मतलब बॉर्न एक ही फैमिली से होता है बट दे हैव डिफरेंट प्राइसेस बिकॉज सुप्रीमेसी डिपेंड्स ऑन द कर्म इरिस्पेक्टिव वेयर यू बिलोंग फ्रॉम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो प्रीति आप बोलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। मेरा नासित विद्यासम चशु है नासित सत्यासम तपह नासित रागसम दुखम नासित त्यागसम सुखम। इसका वो मतलब मीनिंग है कि जो विद्या के समान कोई चशु यानी कि कोई वो आंख नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग यानी कि वासना के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं। बढ़िया इसका बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो 4 अक्टूबर 2021 का इंडियन एक्सप्रेस में क्या खास है एडिटोरियल्स, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लेन सेक्शन अगर देखते हैं तो एक्सप्लेन पेज पर पूरी तरीके से जो पैंडोरा पेपर मैटर है वो निकल कर आया है। आप सभी ने पनामा पेपर लीक के बारे में सुना होगा, उसी तरीके से ये भी एक पेपर लीक जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसकी पूरी डिटेल देखेंगे कि इससे क्या होता है, क्यों ये किया जाता है और लीक मतलब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर ये जो है ये बात कर रहा है स्टेइंग द ग्रीन कोर्स। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी परस्पेक्टिव से देखते हैं, एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये हम एडिटोरियल को अच्छे तरीके से देखेंगे। देन यहाँ पर कंसेंसस बिल्डर इन जापान, ये वाला एडिटोरियल जो है वो काम का नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग द किसान। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि जो फार्मर है वो एक्चुअल में कितने हैं। देखिए समस्याएं बहुत आती है, जैसे कोई भी अगर हमको पॉलिसी लेकर आना है, किसी के भी लिए पॉलिसी हो, वो मार्जिनलाइज्ड फार्मर के लिए हो, भले ही वो एंटरप्रेनर्स जो है उनके लिए हो, या फिर वो किसी और बीपीएल सेक्शन के लिए हो, किसी के भी लिए हो, किसी के भी लिए अगर हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो पहले एक्चुअल में लोग कितने हैं वो पता रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में हम राशन ला रहे हैं तो कितने लोगों के लिए ला रहे हैं, कितने लोग उससे फायदेमंद होंगे, ये डिपेंड करता है कि वहां पर लोग जो है उनकी क्वांटिटी कितनी है ना, तब जाकर हम सही राशन ला पाएंगे। अगर 2 लोग रह रहे हैं, हम 10 लोगों का राशन लेकर आए तो वेस्ट हो जाएगा, 10 लोग है अगर हम 2 लोगों का राशन लेकर आए तो फिर कम पड़ जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर अमाउंट उसके लिए कितना एलोकेट करना है वो डिपेंड करता है कि उसमें लोग कितने हैं। अभी जो फार्मर्स है उनके बारे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो चलता रहता है, क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी जैसे अगर देखा जाए अच्छे बुरे, वो उसमें ये नहीं है कि अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो बुरी तरीके से ही कर रहा है। बहुत सारे जो हमारे जो ये पॉलिटिशियंस है वो भी फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी फार्मिंग के इसमें आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो सब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही है वो ले रहे हो, लेकिन स्टिल बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं वो भी फार्मिंग करते हैं, एंड बहुत सारा जो पैसा है वो फार्मिंग से हमारा आ रहा है ये दिखाते हैं, एंड इनकम टैक्स जो है वो पे नहीं करते हैं, क्योंकि फार्मिंग पे अगर देखा जाए उस तरीके से टैक्स हमें देखने को मिलता नहीं है। तो क्या होता है, बहुत सारी जो अपनी इनकम है वो उस तरीके से बताते हैं, लोन जो है वो फार्म के इस पर लेते हैं जिससे कि कोई उनको प्रॉब्लम ही ना आए, विदाउट कोलेटरल उनको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा हो जाता है अगर फार्मिंग के बलबूते पर ले। तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं सही तरीके से काउंटिंग ना होने की वजह से। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपए भी मिलते हैं बहुत सारी स्कीम्स के तहत, और बहुत सारी योजनाएं उनको जो टैक्स है उसमें अपना जो इन ये होता है जो लोन लेते हैं उसमें भी किस्त जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पर उनको मिलती है। तो क्या है कि जो एक्चुअल फार्मर है जिसको उसकी जरूरत है वो ना लेते हुए बाकी लोग जो है वो अपनी फार्मिंग दिखा दिखा के वही अपना फायदा जो है वो करवा रहे हैं। तो यही सारी चीजें देखने को मिल रही है, बाकी कुछ एडिटोरियल में हमको खास देखने को नहीं मिलता है। देन यहाँ पर अगर हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं तो ये तो बिल्कुल ही काम का नहीं है। एंड ये वाला जो अनमास्क द डिस्ट्रेस, ये वाला एडिटोरियल मैं आपको होमवर्क के रूप में देने वाला था, लेकिन क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि आगे जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आपको पढ़ना कैसे है, कौन सी चीजें एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होती है। तो ये वाला जो एडिटोरियल है मैं आपको सीधा न्यूज़पेपर से बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कोई भी एडिटोरियल जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो किस तरीके से आपको पढ़ना है और फिर आपको कौन सी चीजें बतानी है, क्योंकि जितने मैंने आपको अभी तक होमवर्क दिए थे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है सब कुछ बता रहे, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो सीधा न्यूज़पेपर से देखेंगे।
चलिए आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जो पैंडोरा पेपर मैटर है उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए 11.9 मिलियन लीक्ड फाइल जो है 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विस फर्म से देखने को मिल रही है। अब लीक्ड फाइल है, लीक मतलब क्या है कि यहाँ पर वो कोई सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन थी जो बाहर नहीं निकलनी थी, जो बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो किसी न किसी के थ्रू लीक हो गई। तो अब यहाँ पर लीक होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडियंस है उनका भी नाम इसमें देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, अब नाम इसमें अगर आ रहा है मतलब इन्होंने क्या किया है, क्या बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है या बहुत छोटा कोई गुनाह किया है या पैसे की हेरा फेरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्या किया है, तो ये यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिलेटेड है टू अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स जो यहाँ पर प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट में हमें देखने को मिलता है। अब ये क्या है, ऑफशोर ट्रस्ट क्या है, ये लीगल है इलीगल है, ये सारी चीजें आपको आगे पता चलेगी। इसमें क्या है बेसिकली, एकदम आसान शब्दों में अगर समझना है तो अब यहाँ पर जो प्रद्युमन है, प्रद्युमन ने क्या किया कि किसी फॉरेन कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट किया या फिर किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग जो है वो ले ली या फिर किसी बाहर के देश में कोई जमीन ले ली हो, रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज जो है वो ले ली हो, है ना। अब ये लेने की वजह से प्रद्युमन को फायदा क्या हो रहा है कि उसका जो पैसा है वो तो कैसे ना कैसे करके उसने जो उसका ब्लैक मनी आया था, समझ लो अगर उसके पास 500 करोड़ ब्लैक मनी है तो 500 करोड़ जो काला पैसा, सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रद्युमन का एकदम एक्सप्रेशन ही बदल गया है, 500 करोड़ काला पैसा मेरे पास। तो यहाँ पर क्या है, जो भी काला पैसा आया है 500 करोड़ वो कोई फॉरेन जमीन पर अगर वो भेज रहा है तो व्हाइट मनी हो गया उसका, और फिर किसी ना किसी राउंड ट्रिपिंग के थ्रू वो इंडिया में लेकर आएगा कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कंपनी के थ्रू। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, वो भी पर्टिकुलर उन कंट्री से ज्यादा देखने को मिलता है जो टैक्स हेवन है, क्योंकि वो देश में, हमारे देश में अगर कोई भी पैसा हम कमा रहे हैं उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो 50% जो है वो इनकम टैक्स में जाता है। कैसे जाता है, 30% जो है वो इसमें चला गया, 30% जो हमारा इनकम टैक्स आता है वो स्लैब में चला गया, है ना। देन उसके बाद जो 18% है वो GST में जाता है, और देन उसके बाद 2% जो है वो एजुकेशन इसमें जाता है, जो सेस बोल दीजिए। तो टोटल 50% जो है वो तो अमाउंट सीधी टैक्स में जा रही है। तो अगर मैं समझ लीजिए अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ उसमें से 50 रुपए जो है वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो अब ये मैं 50 रुपए जो है वो कैसे बचाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास पैसा है वो कुछ भेज दूंगा उधर, देन उसके बाद, या फिर जो ब्लैक मनी होता है उस पर, तो ब्लैक मनी वो होता है जिस पर टैक्स भरा ना हो, वो पैसा जो है वो भेज दूंगा मैं बाहर के देश में, उसमें कैश में कहीं पर कंपनी जो है, शेल कंपनी जो ऐसी फालतू कंपनी होती है वो खोल लूंगा किसी और के नाम पर, शेयर होल्डिंग जो है वो ले लूंगा किसी कंपनी की किसी और के नाम पर, जिससे क्या होगा, देन उसके बाद वो जो पैसा आ रहा है उस पर कोई टैक्स ही नहीं, क्योंकि वो कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है। जैसे अगर हम दुबई देखते हैं तो वहां पर कोई इनकम टैक्स नहीं, वहां से वैट लगता है, तो वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है कि भाई वहां कितना भी कमाएंगे हमको इनकम टैक्स देना ही नहीं है, हमको सिर्फ कोई चीज खरीद रहे हैं उस पर वैट पे करना है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये देखने को मिलती है। तो ये होती है हेराफेरी करना, इसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है काफी खतरनाक साबित होती है हमारे इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ पर क्या रिवील क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पर लीक हुआ इसमें रिवील क्या किया जा रहा है कि रिच और जो फेमस यहाँ पर लोग है वो यहाँ पर ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रडार में है, काफी मल्टी लेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर जो है स्टेट प्लानिंग की वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ऐसा नहीं है कि सीधा प्रद्युमन जो है उन्होंने अपने नाम पर कोई रियल इस्टेट कंपनी जो है वो यहाँ पर खोल ली हो, या फिर रियल इस्टेट कोई जमीन जो है वो फॉरेन कंट्री में खरीद ली हो। वाया 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 किया जाता है कि मतलब ढूंढने के लिए भी जाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मतलब पकड़ में ही ना आए, इस तरीके की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। रियल आइडेंटिटी जो है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, छुपाया जाता है, और जिससे कि ऑफशोर एंटिटीज जो है अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस रखे कि अगर पकड़ में भी आ जाए तो हमारा थोड़ी है कुछ, वो तो उनका है भाई, हमारा कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या है, सोर्स जो एक्चुअल में किसका है वो पकड़ने में काफी तकलीफ हमें देखने को मिलती है। जो यहाँ पर पेपर है, जो स्क्रूटिनी यहाँ पर की गई है, तो ऑब्जेक्टिव है टू फोल्ड, जिससे कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिटर एंड लॉ एनफोर्सर, वो यहाँ पर सेफगार्ड किया जा सके, कैश, शेयर होल्डिंग, रियल इस्टेट, जो आर्ट है, जो क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, है ना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट बेन यहाँ पर रिवील करता है कि ट्रस्ट जो है वो एज अ व्हीकल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, ट्रस्ट, अब ट्रस्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ, जो यहाँ पर ट्रस्ट बोला जा रहा है तो ट्रस्ट यहाँ पर क्या है वो भी हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो ट्रस्ट का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ये सारी चीजें करने के लिए, किस तरीके से करें, ट्रस्ट के थ्रू हम करेंगे। अब ट्रस्ट जो है वो क्या रहता है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्यूडिशरी अरेंजमेंट है, थर्ड पार्टी जिसको ट्रस्टी जो है वो रेफर किया जाता है, एक थर्ड पार्टी है जो ट्रस्टी है,
ठीक है। अब ट्रस्ट हम पे ट्रस्ट क्यों बोला जाएगा कि भाई मेरे को ट्रस्ट है कि मैं तेरे को मेरा पैसा दे रहा हूँ, ये मेरा काला पैसा है और काले पैसे को देखो गोरा करना है, अब वो तेरी जिम्मेदारी है भरोसे, क्योंकि अगर लेके भाग गया हो तो क्या करेंगे, लेके अगर भाग जाता है मेरे, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ कि मेरा पैसा लेकर भागा, गवर्नमेंट बोली वो पैसा कहाँ से आया वो तो पहले बताओ, वो तो काला पैसा है, वो तो मैंने गवर्नमेंट से छुपा के उसको दिया हुआ है, तो मैं जाऊंगा किसके पास अगर वो लेके गया, इसे ट्रस्ट पर उसको दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ट्रस्टी रहते हैं, ठीक है, जो अपने एसेट जो है उनको होल्ड करते हैं, हमारे एसेट को होल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे बिहाफ में कोई ट्रस्ट जो है वो चीजें वो खरीद रही है, भले वो शेयर बोलिए, इन्वेस्टमेंट बोलिए, वो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बोलिए, हमारे बिहाफ में वो खरीद रही है। नाम किसका रहेगा, नाम उनका आएगा, है ना, लेकिन पैसा किसका है, हमारा है, मतलब वो जो थ्री इडियट्स में था बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। इस तरीके से यहाँ पर लार्ज बिजनेस फैमिलीज जो है उनको यहाँ पर उनके एसेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बोलिए, शेयर होल्डिंग में बोलिए, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में बोलिए, वो यहाँ पर वो डाल सकते हैं। अब वहां पर अगर उन्होंने कोई समझ लो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लिया, वहां से वो प्रॉफिट दिखाएंगे कि भाई हमको वहां से प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है, इसके तो पैसा व्हाइट हो रहा है वहां पे जबरदस्त तरीके से, और वहां पर टैक्स भी नहीं पड़ रहा है, मतलब विदाउट टैक्स पूरा पैसा जो निकल कर आ रहा है वो इसी का निकल कर आ रहा है, ऐसा यहाँ पर हो जाता है। जो ट्रस्ट है उसमें थ्री की पार्टीज देखने को मिलती है, एक होता है सेटलर जो सेटअप करता है, क्रिएट करता है ना, ऑथर करता है ट्रस्ट को, दूसरा होता है ट्रस्टी जो एसेट होल्ड करता है, ठीक है, लोगों के बिहाफ में, एंड बेनिफिशियरी होता है जिसको फायदा मिल रहा है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जो एक्चुअल में सोर्स है, जो उनको उनके थ्रू यहाँ पर पैसा अपना जो है वो डाल रहा है, तो बेनिफिशियरी है। तो इस तरीके की तीन पार्टी जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो सेटअप करना इंडिया में या फिर कोई ऑफशोर कंट्री में, आउटसाइड दी कंट्री यहाँ पर करना, क्या वो इलीगल है? इलीगल है तो फिर यहाँ पर मैटर है, इलीगल नहीं है। यहाँ पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है 1882 का वो लीगल बेसिस देता है ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को। तो फिर ट्रस्ट जो है वो अगर स्टैब्लिश करना अगर इलीगल नहीं है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इलीगल तरीके से अगर कुछ काम करने की कोशिश की जाए, मतलब आप अगर नॉर्मल तरीके से सही तरीके से आपके पास जो पैसा आया है व्हाइट मनी आया उसी से आप अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो वो वहां तक सही है, लेकिन अगर ब्लैक मनी को आप जो आपका काला पैसा उसको गोरा करने के लिए अगर आप कहीं पर भेज रहे हो ट्रस्ट के थ्रू तो वहां पर इलीगलिटी जो है वो आ जाती है, ठीक है। ट्रस्ट जो है वो यहाँ पर सीक्रेट व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं जो अपना काला पैसा है उसको यहाँ पर सही तरीके से पार्क करने के लिए, जो इनकम आई है, जो इनकम उनको मिली है उसको छुपाने के लिए, जो वेल्थ है रॉ एनफोर्सर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो क्रेडिटर्स है ह्यूज मनी जिनका ड्यू है उनको इंसुलेट करने के लिए, और कभी कभार क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उसको भी पार गिराने के लिए। क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जो पैसा है वो कहाँ से जाएगा? इतना काला पैसा है, चलो भाई बंदूक खरीद लेते, कहाँ से वो पैसा? डायरेक्ट थोड़ी बोल सकते हमने बंदूक खरीदने के लिए इतने पैसे दिए, हमने तोपे खरीदने के लिए इतने पैसे दिए, वो तो काले पैसे ब्लैक मनी के थ्रू जाता है। तो ये चीज जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ टैक्टिक्स जो लोग यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो एस्टैब्लिश करने के लेते हैं, मतलब क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले तो डिग्री ऑफ सेपरेशन मेंटेन करने के लिए कि भाई हमारे जो एसेट्स है वो अलग है हमारा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डर के पास बहुत सारा पैसा है, बिल्डर ने ये जो है वो आधा शुरू कर दिया उसने बांधना अपनी बिल्डिंग जो है, देन उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना जितना भी पैसा उसके पास है पूरा पैसा वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के थ्रू बाहर देश में भेज देता है और फिर बोलता है मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं बचा। जिसको देना है वो क्या करेंगे, तो लोग जो है वो कंप्लेंट करते बैठेंगे, गवर्नमेंट देखती बैठेगी भाई ये तो बैंकक्रप्ट हो गया है, ये तो ये हो गया है वो हो गया है, मतलब क्या है, एक अपने खुद के जो एसेट्स है उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना कि वो तो मेरे है ही नहीं, वो एसेट वो तो उधर है, उससे कोई मेरा लेन देना नहीं है, तो डिस्टेंस एक मेंटेन करना जिससे कि अपने पास एसेट रहे भी और गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट की नजरों में हमारे पास कोई एसेट नहीं है, मैं दिवालिया हो गया। इस तरीके से देन एनहांस सिक्रेसी जो है उसको हंट करने के लिए, भाई सिक्रेसी यहाँ पर रहती है इसीलिए तो लीक बोला जा रहा है ना, सीक्रेट है इसीलिए लीक हुआ, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जो टैक्स है उसको अवॉइड करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग की जाए टैक्स को अवॉइड करने की, जो स्टेट ड्यूटी है उसको प्रिपेयर करने के लिए, देन उसके फ्लेक्सिबिलिटी जो है कैपिटल कंट्रोल इकोनॉमी में वो यहाँ पर लेने के लिए, एंड एनआरआई एंगल जो है वो भी यहाँ पर रहता है। क्या है कि जो आप भारत से दूसरे देश में अगर मतलब बाहर अगर पैसा लेकर जाना चाह रहे हो, पहले ऐसा था 2004 तक कि आप $25,000 जो है वो ले जा सकते हो, ठीक है, देन उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं यार तुम एक और जीरो वहां पर बढ़ा दिया गया, मतलब 2.5 लाख के आसपास तुम डॉलर जो है वो तुम आउट ऑफ कंट्री ले जा सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, 2.5 लाख अलग 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 लोगों के नाम पर सीधा भेज देने का, तो अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पर अपनाई जाती है,
ठीक है, तो ये सारे टैक्टिक जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ट्रस्ट जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। क्लियर है? तो अभी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो हमारा एडिटोरियल है वो बात कर रहा है ग्रीन कोड्स के बारे में। देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं तो मेंस पर्सपेक्टिव से, बाकी जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइस है नेचुरल गैस की यूरोप में वो काफी बढ़ गई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 600% जो है उसका शूट अप हमें देखने को मिला है पास्ट 12 मंथ्स में, एक साल में। एक साल पहले अगर देखा जाए तो ये ट्रेड हो रहा था $4 per MMBTU पे, आज अगर आप देखोगे तो $25 जो है वो यहाँ पर हो गया है, मतलब काफी ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। रीजंस क्या है इसके पीछे के? तो देखिए क्या होता है कि आपको रीजंस जो है प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि कोई भी नेचुरल गैस अगर इंक्रीज हो रहा है, रिसेंटली वी हैव सीन कि नेचुरल गैस जो है काफी इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे नीचे दिखे में से कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में अगर बोला जाए तो जो इंक्रीज हुआ है, जो इतना राइज हुआ है, क्या वो यहाँ पर फिर से फॉसिल फ्यूल जो है उसके डिमांड को इंक्रीज कर देगा? फॉसिल फ्यूल जो वो रेयर वो यूज करने के लिए क्या यहाँ पर फिर से लोग जो है वो मोटिवेट हो जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है मेंस में कि ये जो प्राइस राइज हमें रिसेंट में देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस का, तो क्या उसकी वजह से जो हमारा टारगेट है नेट जीरो इमिशन का, क्या हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे? अब आप ये सोचोगे कि नेचुरल गैस के जो पैसे हैं उसकी डिमांड इतनी इंक्रीज हो गई है, तो फिर नेट जीरो जो हमारा इमिशन हमारा कंट्रोल करना है, नेट जीरो मतलब क्या, जितना कार्बन रिलीज हम करेंगे उतनी क्षमता हमारे पृथ्वी की रहनी चाहिए सोख करने की, उसको हम बोलते हैं नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन, तो वो हम क्यों अचीव नहीं कर पाएंगे, तो क्या रीजन है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कारण है इसके इंक्रीज होने के, राइज होने के, वो तीन भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला आता है डिमांड पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या हुआ कि पहले पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी है वो पूरी धसी हुई थी पूरे दुनिया की, अब क्या हुआ रिकवरी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। रिकवरी अगर हो रही है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, तो डिमांड जो है काफी इंक्रीज, और डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। हाइड्रो पावर जो है ब्राजील चाइना में ड्रॉट की वजह से उसमें ड्रॉप हमें देखने को मिला है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो विंड पावर है उसमें भी रिडक्शन जो है वो हमको देखने को मिला है, क्योंकि विंड कंडीशन जो है नॉर्थ सी में इतनी फेवरेबल नहीं थी। अब बाकी अगर रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी नहीं मिल रही है तो इसकी डिमांड जो है वो तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर इंक्रीज हो ही जाएगी। देन कुछ माइक्रो फैक्टर जो है वो भी रोल प्ले करते हैं, जैसे यहाँ पर विंड का बोलिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है यूरोप में उसका अंडर परफॉर्मेंस बोलिए, देन यहाँ पर सीवियर समर हीट जो है यूएस में, यूरोप में, चाइना में, वो भी एक फैक्टर जो है माना जा रहा है जिससे कि इसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। दूसरा सप्लाई साइड अगर देखा जाए तो एक इकोनॉमिक ब्लॉकेज जो है वो हमें देखने को मिला है कोविड की वजह से। दूसरा यहाँ पर कोल्ड वेव जो है टेक्सास में वो भी यहाँ पर देखने को मिली। कोल्ड वेव की अगर हम बात करें उसके वजह सब कुछ फ्रीज हो गया, ठीक है। अब फ्रीज हो गया तो बंद रखना पड़ेगा जो भी वहां पर प्लांट्स होते हैं, एंड देन उसको फिर से स्टार्ट अगर करना है तो स्टार्ट करने के जो मेंटेनेंस वर्क है वो भी सस्पेंडेड था सिंस 2020 कोविड की वजह से, और उसके वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो गया। प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया मतलब क्या, सप्लाई जो है वो कम हो गया। अब सप्लाई अगर कम होता है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइजेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये चीज जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो जो तीसरा फैक्टर है यहाँ पर वो है जियोपॉलिटिक्स, मतलब यहाँ पर जो रशिया है उसमें ब्लॉक, ये सारी चीजें, मतलब वो जियोपॉलिटिकल कनेक्शन जो है उसकी वजह से भी यहाँ पर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ये हो रहा है कि कंज्यूमर जो होते हैं वो स्विच होते हैं चीपर अल्टरनेटिव की तरफ, क्योंकि एक चीज अगर बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो हम दूसरी की तरफ जाएंगे। कोलगेट अगर बहुत ज्यादा महंगा हो गया हम पतंजलि की तरफ जाएंगे, पतंजलि अगर बहुत ज्यादा महंगा हो गया क्लोजअप की तरफ जाएंगे। जो अगर हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, बेसिकली हमको करना क्या है, हमको एनर्जी डेवलप करना है। अब उसके लिए अगर एक पर्टिकुलर कोई चीज जो है वो उसकी अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, हम दूसरे सस्ते अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो ये क्या करेंगे, चीप अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, जैसे कि कोल, इवन ऑयल, है ना, जिससे कि डिमांड जो उसको कंजर्व किया जाए, प्रोडक्शन जो उसको हाई किया जाए, प्राइसेस जो उसको लो रखे जाए। अब ऐसा अगर हम करते हैं, अगर हम यहाँ पर समझ लीजिए जो अल्टरनेटिव है कोल उसमें जाते हैं, तो अगेन वही होगा, जो कार्बन इमिशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन का वो हम कैसे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पर कार्बन जो वो बढ़ जाएगा, है ना, तो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे जो हमने यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से जो टारगेट सेट किया हुआ है। अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या किया जाना चाहिए फिर, तो सस्टेनेबल रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर प्राइस शॉक को कैसे, तो एनर्जी इफिशियंसी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
डिमांड कंजर्वेशन को इंटेंसिफाई करना चाहिए एंड यहाँ पर जो स्विच है कोल की तरफ जाना उसको प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बैटरी में, स्टोरेज टेक्नोलॉजी में, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी सप्लाई उसको यहाँ पर स्केल अप करना, उसको यहाँ पर बढ़ाना, मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी अल्टरनेटिव की तरफ अगर जाना है तो रिन्यूएबल एनर्जी को ही अपनाना ये यहाँ पर सही रहेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्लियर है, आपको समझ में आ गया क्या यहाँ पर बोला जा रहा है? तो ओके, अभी देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है मैं आपको होमवर्क देने वाला था, ठीक है? ये क्या है, अनमास्क द डिस्ट्रेस। अब इसको कोई भी एडिटोरियल अगर हम ले रहे हैं पढ़ने के लिए खुद से, तो सबसे पहली चीज तो जो आप सभी को करनी है, इंग्लिश आपकी डेवलप करनी है, बराबर है? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एडिटोरियल लेने के बाद सीधा सिंपली आपको पढ़ना है इंग्लिश में, जैसा का वैसा आपको पढ़ना है एक बार, ठीक है? अनमास्क द डिस्ट्रेस, और अच्छे तरीके, ऐसे नहीं बड़ा 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 पढ़ रहे हो, थोड़ा अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करके, अच्छे तरीके से पॉजेस लेकर, अच्छे तरीके से कॉमा, जो भी वहां पर क्वेश्चन मार्क हो वो सभी इमोशंस जो है वो इन्वॉल्व करके सबसे पहले तो पढ़ना है कि अनमास्क द डिस्ट्रेस, ठीक है? देन उसके बाद जो भी आपको जैसे वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपको टफ वर्ड्स लग रहे हैं वो आपको निकाल के रखना है डायरी में, आपके जो भी आप नोट जो बना रहे हो उसमें जो टफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर है एक्स्ट्रापोलेटिंग, है ना, तो ये जो वर्ड्स है निकाल कर रखने, जितने भी आपको दिखे हैं, ठीक है, उसको निकाल कर रखना है, देन उसके बाद उसका मीनिंग जो है उसके सामने लिखना है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज जो अब आपको करना है वो ये है कि आप समझना है कि क्या क्या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले तो ये हमारे कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको निकालना है। उसके लिए आपके पास हार्ड कॉपी, मैंने आपको पहले बोला है हार्ड कॉपी आपके पास रहनी चाहिए आपकी, इसके लिए जो आपका सिलेबस है उसका। तो अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर देखने को मिल रहा है, मतलब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी काय में आता है, जीएस पेपर थ्री में आता है ना, ये प्रिपरेशन वाला कोई भी बता देगा, जो भी प्रिपरेशन जिसने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा है वो बता देगा। लेकिन अब आपसे मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि अब मैंने बोला दो हफ्ते हो गए हैं, है ना, अब यहाँ पर हम और रिगरस जो पढ़ाई है हमारी उसको इंक्रीज करने वाले, ठीक है, और एक जो इंसान है वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, और यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो हो जाएगी महाराष्ट्र की, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र से ही है जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं हमको फ्यूरियस फाइव बैच में वेडनेसडे से। खैर, तो यहाँ पर जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। अभी आपको जब मैं आपसे रिविजन लूंगा उसमें मैं फिर से ये एडिटोरियल के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, और आपको मुझे उसमें सारी चीजें बतानी है कि ये जो एडिटोरियल है जीएस पेपर थ्री में कौन से पॉइंट में आएगा। उसमें जैसे जीएस पेपर थ्री इकोनॉमी देखोगे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर है ना, तो ये कौन से वाले भाग में आएगा, क्या ये बैंकिंग वाले में आएगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल में आएगा, कौन से वाले, कौन सा वाला जो सिलेबस का पॉइंट है उसमें हमें इंक्लूड होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो इस तरीके से कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक डाटा है वो रिलीज किया गया ओवर द पास्ट फ्यू वीक, जहां पर इंडियन इकोनॉमी जो है इमर्ज हुई है, जो सेकेंड वेव आया था, मतलब यहाँ पर अब इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। इंडियन इकोनॉमी ये भी आपको देखना पड़ता है पहले कि फॉरेन इकोनॉमी की बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी जो हमारा पेंडेमिक है उससे यहाँ पर क्या हुआ है, रिवाइव हुआ है ना, हमारी इकोनॉमी जो है फिर से यहाँ पर सुधरना शुरू हुई है। तो अब सुधरना शुरू हुई है तो सभी को पता है, तो कहना क्या चाह रहे हो, ये जो आर्टिकल है इसमें जो ऑथर है कहना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पर इमर्ज हुई है बेटर देन मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब इसमें दो पॉइंट इसने बताया कि इमर्ज तो हुई है वो ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन दो पॉइंट इसमें क्या इमर्ज होता है। पहला है कि ऑल्दो सेकेंड वेव जो है ये काफी विरुलेंट थी, इम्पैक्ट जो था लोकलाइज रिस्ट्रिक्शन का इम्पोज का इकोनॉमिक एक्टिविटी पे वो कम डैमेजिंग था। ये पहला पॉइंट यहां से निकल कर आ रहा है कि ये आपके इंटरव्यू में काफी काम आ सकता है कि भाई पहला वाला जो था उसमें भले केसेस कम थे एज कम्पेयर टू सेकेंड वेव, सेकेंड वेव में बहुत उफान करके आया हो कि बहुत क्लोज वाले जो थे उनको भी यहाँ पर कोरोना हो गया था, काफी लोगों की डेथ हुई, लेकिन स्टिल जो इकोनॉमिक फैक्टर अगर हम देखें तो वहां पर फर्स्ट इसमें ज्यादा डैमेजिंग था एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि वीक्स एंड मंथ्स देयर आर लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट बैक टू प्री कोविड लेवल। क्या हो रहा है, जो प्री कोविड जो हमारे कोविड के पहले जो हमारी इकोनॉमी थी फटाफट उसको कोई टाइम नहीं लगा, फटाक से ये ट्रैक पे आ गया। लेकिन ये अब यहाँ पर क्या, दो पॉइंट इसने बता दिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो डेटा है ये डिस्ट्रेस लिंगरिंग इन द लार्ज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। हमारे पास क्या है, दो तरीके की इकोनॉमी है, एक है फॉर्मल इकोनॉमी, एक है इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, उसका क्या काम रहता है कि भाई फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है फटाक से नेट पे जाके सर्च कर लो कि फॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है, फटाक से यहाँ से
नेट से ढूंढ के निकाल लो, जिससे अब हमको आइडिया आ जाए कि हाँ भाई बोलना क्या चाह रहे, कौन से इकोनॉमी के बारे में बोल रहे हो। तो यहाँ पर इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इंडिया में रफली हाफ ऑफ द टोटल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में जितना भी पैसा आ रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल इकोनॉमी? क्योंकि इतना पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारे इसमें लेकर आ रही है। और इतना ही नहीं, लोग कितने हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, तो 90% जो लेबर फोर्स है वो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट डेटा है अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया उसको कोट करने के लिए। कोई डाउट है इसमें क्या, कैसे हमें निकालनी है चीजें? सबसे पहले तो आपको एडिटोरियल इंग्लिश में पढ़ना है अच्छे तरीके से, देन उसके बाद जो टफ वर्ड्स होते हैं उनको अलग से निकाल कर, वहीं के वहीं सर्च नहीं करना, उनको अलग से निकाल कर लिख के उनके सामने उसका मीनिंग लिखना। इससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो सुधरेगी। एंड देन उसके बाद जो जो वर्ड्स है आपके कौन से सिलेबस में आता है पहले वो देखना, स्पेसिफिक सिलेबस। देन उसके बाद जो चीजें दी गई है वो किस तरीके से दी गई है उसको सॉर्ट करके पढ़ना, ठीक है। अब ये वाला देखोगे आप, ये वाले इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एडिटोरियल भी तीन तरीके के होते हैं, एक फैक्चुअल होता है, एनालिटिकल होता है और एक क्रिटिकल होता है। जो क्रिटिकल है वो कोई काम का नहीं, किसी क्रिटिक ही बता रहा है क्या है, क्या बुरा है क्या बुरा है। जो फैक्चुअल होता है उसमें फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है वो रहेगा। एनालिटिकल जो है फैक्ट्स के साथ साथ उसका एनालिसिस रहेगा, ठीक है। तो फैक्ट जो है वो आपको अलग से निकालने हैं और जो एनालिसिस किया गया है उसको आपको अलग से निकालना। समझ में आ गया? अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से एडिटोरियल जो है मुझे बताओगे। क्लियर है? 3 बजे के लेक्चर में क्लियर है एकदम अच्छे से? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है यहाँ पर अपना खत्म हो रहा है। हाँ, तो अभी जो हमारा 11 बजे का लेक्चर है वो नहीं होगा, हमारा 3 बजे का लेक्चर होगा। 3 बजे के लेक्चर में, और 3 बजे का लेक्चर जो रहेगा वो काफी लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जितना भी हफ्ते भर का एक भी जो टॉपिक है वो मिस नहीं होना चाहिए। सारे टॉपिक आप सभी को बताने हैं, ठीक है, रिवाइज करने हैं। और कल से, जैसे मैंने बोला, आज आपको एक नया टाइम टेबल भेजूंगा जहां पे थोड़ी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़े और ब्रॉड हो जाएंगे। मतलब अभी हम एक ही ले रहे हैं, अभी हम 2 सब्जेक्ट्स लेंगे एक साथ, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो आपका रिविजन है अब वो थोड़ी लिबर्टी आपको कम मिलेगी कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आपको लिख के रखनी है जिससे आप भूलो ना, फिर ऐसा नहीं होता है कि ये भूल गए थे, ये याद नहीं रहा, वो याद नहीं रहा। सारी चीजें लिख के ही रखनी है आप, ठीक है। प्लस अब आंसर राइटिंग जो है वो भी काफी रिगरसली शुरू करूंगा मैं, जो हमारे ये हो गए जो एडिटोरियल पे, अभी सब्जेक्ट पे नहीं लूंगा, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद ही लूंगा, लेकिन जो एडिटोरियल्स है जिससे क्या है हमें पता चल जाए कि हाँ कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को। तो क्लियर है? 3 बजे मैंने जो जो चीजें बताई है, सबसे पहले एडिटोरियल से शुरू करेंगे एंड जितनी भी सारी चीजें बताई है वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। सर, इस वीक का ही ना, मतलब सिटीजनशिप से फंडामेंटल राइट का या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से फंडामेंटल राइट? नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला नहीं, ये वाला जो वीक का हमने लिया हुआ है ये वाले वीक के सिटीजनशिप से ना सर। हाँ, और सर करंट अफेयर्स का तो नहीं अभी होगा रिवीजन? सैटरडे को किया ना। मतलब पॉलिटी का होगा जो रिवीजन? हाँ, पॉलिटी का होगा, लेकिन लेकिन मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ करंट अफेयर पे, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं है ना कि आपने सैटरडे को कर लिया तो भूल गया, हो गया संडे, मजे मजे करो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, और कोई डाउट? ओके, चलो, ओवर एंड आउट।